सोना हो गया सस्ता, चांदी 1021 रुपए टूटी। जी हाँ, बजट 2021 के बाद ये दूसरी बार सोने के दाम में गिरावट देखने को मिली। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ लाइव और आपके संग मैं रूपाली सिंह। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बता रखा है कि यही एक सही समय है सोना खरीदने का और अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करने का, तो एक बार आपको फिर बता दें कि आपके पास अब भी मौका है अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट करने का। सोने के दाम में एक और बार गिरावट देखने को मिली है। गुरुवार को सराफा बाजारों में चांदी के रेट में भारी गिरावट देखने को मिल रही है, जबकि सोना भी सस्ता हुआ है। आज सोना 111 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ 47,842 रुपए पर खुला। वहीं चांदी 1021 रुपए गिरकर 67,962 रुपए प्रति किलो के स्तर पर खुली। बता दें कि बजट से लेकर अब तक सोना 1551 रुपए तक सस्ता हो चुका है, जबकि चांदी 1764 रुपए कमजोर हो चुकी है। 1 फरवरी को पेश बजट से पहले 29 जनवरी को सोना 49,393 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 69,726 रुपए प्रति किलो पर बंद हुई थी। बता दें, इंडिया ब्लूइन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी इस रेट और आपके शहर के भाव में 500 से 1000 रुपए तक का अंतर आ सकता है। तो अब देर किस बात की, अगर आप हैं इंतजार में सही समय के, तो ये बिल्कुल सही समय है अपने पैसों को सही जगह इस्तेमाल करने का। तो जी हाँ, आज की जानकारी में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इंडियन न्यूज़ लाइव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।